नमस्ते दोस्तों, मैं सुखचैन सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ एंड्रॉइड वर्ल्ड की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई टॉप 10 वॉर गेम्स के बारे में। और यहाँ पे ये मैं सोच रहा हूँ, मैं वॉर गेम्स की बात कर रहा हूँ और इतना खुश हो रहा हूँ। खुश होने की एक वजह है क्योंकि पिछला जो माइनक्राफ्ट का वीडियो था ना भाई, आपने इतना ज़्यादा प्यार दिखाया, उसके ऊपर 20,000 से ज़्यादा व्यूज़ आए हैं और उसका लेटेस्ट पार्ट आ चुका है जो कि काफ़ी फनी भी है और साथ में काफ़ी तकड़ी फाइट भी हुई है। तो काफ़ी मज़ा आया था, हमें काफ़ी सारी लूट भी मिली थी। तो अगर आपने वो एपिसोड अभी तक नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टॉप के ऊपर मिल जाएगा भाई, या फिर आप मेरे कम्युनिटी टैब में जाके उसका लिंक है, देख सकते हो, वीडियो देख सकते हो। और ऐसे ही प्यार बनाते रहो, जैसे एंड्रॉइड वर्ल्ड को प्यार दे रहे हो ना, सुख गेमिंग को ही उतना प्यार दो। और ये तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आपको वॉर गेम्स बताऊंगा जो कि काफ़ी खतरनाक होने वाले हैं, जिनमें लड़ाई ही होगी और काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों लिस्ट पे जो हमारा पहला गेम आता है उस गेम का नाम है वर्ल्ड वॉर हीरोज। गेम का साइज है वो 800 MB और गेम पूरी तरीके से ऑनलाइन होगा। और यहाँ पे जो लोकेशंस दी गई है ना, जैसे आपने देखा होगा कि पुराने टाइम पे जब वॉर होते थे कुछ ऐसी लोकेशंस होती थी, तो बिल्कुल वैसे ही कंसेप्ट दिया गया। जो आपके पास वेपन्स है उनकी लुक भी वैसी रखी गई है। और यहाँ पे मल्टीप्लेयर गेम होने वाला है, मतलब ऑनलाइन प्लेयर्स के साथ आपका मैच होगा। तो यार वो काफ़ी जबरदस्त होगा, मतलब एक मल्टीप्लेयर जैसे कि COD आता है, PUBG आता है, तो वैसा ही कंसेप्ट होने वाला है। एक लोकेशन दी जाती है आपको, मैं वहाँ पे आपको फाइट करनी है और जो वेपन्स है वो थोड़े से पुराने टाइप लुक दी है जो कि काफ़ी जबरदस्त लगती है। तो मेरे को तो इस गेम में खेलने में काफ़ी मज़ा आया था। बाकी इसमें आपको टैंक्स भी देखने को मिलते हैं, हालांकि मेरे को नहीं मिला था, सिर्फ स्टार्टिंग वाला लेवल था। तो टैंक्स भी देखने को मिलेगी, उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो, चलाओगे दूसरों के ऊपर जाके चढ़ा देना, कुछ भी करना, मतलब जितने भी आपके एनिमीज हैं उनको आपको मारना है। तो बिल्कुल एक वॉर गेम होने वाला है, तो जरूर ट्राई करना। दोस्तों लिस्ट पे जो हमारा दूसरा गेम आता है उस गेम का नाम है वैलियंट हर्ट्स दी ग्रेट वॉर। गेम का साइज है वो 560 MB और गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन है। हालांकि इस गेम का साइज बाद में बढ़ जाता है क्योंकि आपको अंदर से एपिसोड डाउनलोड करने पड़ते हैं, तो गेम का साइज है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि मेरे को यूबीसॉफ्ट के गेम ज्यादा पसंद नहीं आते, लेकिन भाई ये वाला गेम मतलब बहुत जबरदस्त है। इसकी स्टोरी लाइन, इसका गेम प्ले, इसकी एनिमेशन, भाई सब कुछ इतना प्यारा था ना, मतलब खेल के मजा आ गया था। ये वाला गेम हालांकि वॉर के ऊपर था, लेकिन जो आपको स्टोरी दिखाई जाएगी ना चार सर्वाइवर की अलग अलग, वो खेलने में काफी मजा आता है। मतलब काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा इस गेम से भाई आपको। मेरे को तो यार काफी पसंद आया था। अगर आपको कोई अच्छी स्टोरी लाइन वाला वॉर गेम चाहिए जिसमें आपको फाइट टाइप करने को कुछ मिले, हालांकि बचने के लिए गाड़ी चला रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो भाई इस गेम में, तो वो काफी मजेदार आता है। और चारों करेक्टर्स एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हैं, जो स्टोरी बिल्डअप होती है वो देखने में काफी मजा आता है। मैं थोड़ा सा भी रिवील नहीं करूंगा स्टोरी को, अब खुद इस गेम को खेलना। जिन लोगों ने इस गेम को खेला हुआ है वो समझ रहे हैं मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, बाकी जिसने खेला है मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों लिस्ट पे जो हमारा तीसरा गेम आता है उस गेम का नाम है नोबल मैन 1896। गेम का साइज है वो 660 MB और गेम पूरे तरीके से ऑफलाइन है और काफी जबरदस्त गेम है भाई। आप यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल एक वॉर वाली फीलिंग दी होती है। आप अपनी टीम के साथ जाते हो, मतलब जितने भी सिपाही हैं और सामने भी सिपाही बहुत सारे आते हैं, आप उनसे फाइट करते हो। आपके पास अलग अलग तरह की गन्स है, ग्रेनेड लॉन्चर है, बहुत कुछ आपके पास होने वाला है, तो उस हिसाब से आप अपग्रेड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे बहुत जबरदस्त इसलिए लगता है क्योंकि आपका बेस भी बनता है जो कि बेस सीधा अटैक करता है, जैसे तोप से हमला करता है। कुछ वैसी एनिमेशंस भी देखने को मिलती हैं जो कि देखने में काफ़ी जबरदस्त लगती हैं। रियल वॉर वाला गेम भाई यही है जो कि बिल्कुल लग भी रहा है। एक्शन के मामले में भी काफ़ी जबरदस्त है और जो ग्राफिक्स क्वालिटी आप देख सकते हो 3D है वो काफ़ी जबरदस्त है। अगर इसके कंट्रोल्स की बात करूँ, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही आसान है, आपको कोई भी दिक्कत है वो नहीं होगी। तो कुल मिला के इस गेम को खेलने में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, मेरे कहने पर जरूर ट्राई करना भाई, आपको काफ़ी पसंद आएगा। दोस्तों लिस्ट पे जो हमारा फोर्थ नंबर पर गेम आता है वो है मॉडर्न कॉम्बेट 4। गेम का साइज है वो 2.3 GB और गेम पूरे तरीके से ऑफलाइन होगा। लेकिन यहाँ पे शायद आपको स्टार्टिंग में इंटरनेट ऑन करना पड़े, एक छोटी सी दिक्कत है, किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से डाउनलोड मत करना। अगर आपका लेटेस्ट एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है ना तो उसके ऊपर ढंग से वर्क नहीं करेगा, शायद आपको प्ले स्टोर से बाय करना पड़े। लेकिन भाई इस गेम के बारे में शायद आप सभी जानते हो, मॉडर्न कॉम्बेट सीरीज काफ़ी पॉपुलर है और यहाँ पे मेरे को इसका ट्रेलर यूज करना पड़ा क्योंकि मेरे डिवाइस के लिए भी ये वाला गेम है वो कंपेटेबल नहीं है यहाँ पे। लेकिन गेम बहुत जबरदस्त होने वाला है। मॉडर्न कॉम्बेट 4 का जो स्टोरी था, कॉम्बेट सिस्टम था ना भाई, वो सच में बहुत ज़्यादा जबरदस्त है। एक टाइम के लिए मॉडर्न कॉम्बेट 5 को भी बीट करता है, तो काफ़ी जबरदस्त है। फौजियो टाइप कोई गेम ढूंढ रहे हो एक्शन वाला, तो इस गेम को ट्राई कर सकते हो। दोस्तों लिस्ट पे जो हमारा फिफ्थ नंबर पर गेम आता है उस गेम का नाम है ब्रदर्स इन आर्म्स 3। गेम का साइज है वो 1 GB और गेम पूरे तरीके से ऑनलाइन है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो भाई, फौजियो टाइप मिशन आपको देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी जबरदस्त लगते हैं और साथ में स्टोरी भी चलती है, वो भी काफ़ी जबरदस्त लगती है। तो यार स्टोरी बिल्डअप होता है वो काफ़ी जबरदस्त लगता है इसमें। और यहाँ पे आप देख सकते हो आपको फाइटिंग करनी है, जितने भी एनिमीज आ रहे हैं, जितने भी एनिमीज हैं मतलब टोटल सारे उनको मारोगे। टैंक्स भी आएंगे बड़े बड़े जिनको आप डिस्ट्रॉय करोगे, आपको अलग अलग गन्स है वो मिलेगी, अपने आपको अपग्रेड कर सकते हो। और साथ में आपकी टीम भी चल रही है जो कि कंप्यूटर के द्वारा चलती है, लेकिन काफ़ी जबरदस्त लगती है भाई, उसको खेलने में काफ़ी मज़ा आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे को एक RPG लॉन्चर मिला ना शायद अभी, यहाँ पे आप देख सकते हो रॉकेट लॉन्चर, तो इससे मैं टैंक को उड़ाऊंगा। यार गेम खेलने में बहुत मज़ा आता है। बाकी आप सभी को पता है कि गेम लोफ्ट के जितने भी गेम्स होते हैं ना भाई, वो काफ़ी शानदार होते हैं, वो बात अलग है। आज
आजकल गेम लोड पता नहीं कहाँ खो गया है, उसको भी चाहिए कि नए नए गेम्स लॉन्च करे। बाकी अगर ब्रदर्स इन नाम आपने खेला है नहीं, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों लिस्ट पे जो हमारा 6 नंबर पर गेम आता है वो है स्काई गैम्बलर्स। गेम का साइज है वो 2.2 GB और गेम पूरी तरीके से ऑनलाइन है। और यहाँ पे जिनको भाई मतलब प्लेन उड़ाना पसंद है, प्लेन मतलब फाइटर प्लेन, जेट प्लेन जैसे आप सभी को पता है, अगर आपको वो उड़ाना पसंद है, उससे आप एनिमीज को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, जो धरती पे हैं उनके भी, जो हवा में उड़ रहे हो उनको भी डिस्ट्रॉय कर रहे हो। बिल्कुल एक फोर टाइप गेम जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। और यहाँ पे गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी देख सकते हो, वैसे तो साइज़ ही काफ़ी ज़्यादा है भाई, 2.2 GB, उसमें इतने अच्छे ग्राफिक्स देखने को मिल रहे हैं और जो गेम प्ले कंट्रोल्स है वो भी काफ़ी मज़ेदार है। मैंने इसको न्यू वाली वीडियो में भी ऐड किया था, काफ़ी लोगों ने इस गेम को पसंद भी किया था, लेकिन एक छोटी सी वही दिक्कत है कि प्ले स्टोर से आपको इस गेम को बाय करना पड़ता है। बाकी जिन जिन लोगों ने इस गेम को खेला है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये गेम कैसा लगा। दोस्तों लिस्ट पे जो हमारा 7th नंबर पर गेम आता है वो है मॉडर्न कॉम्बैट 5। गेम का साइज है 1.4 GB और गेम पूरे तरीके से ऑनलाइन है। मॉडर्न कॉम्बैट 4 के बाद आया था ये वाला 5 पार्ट जो कि काफ़ी ज़बरदस्त था। हालांकि इसकी स्टोरी मतलब मॉडर्न कॉम्बैट 4 जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जो इसका कॉम्बैट सिस्टम था और जो मतलब गेम प्ले था वो काफ़ी ज़बरदस्त था। ग्राफिक्स क्वालिटी भाई बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई थी, मतलब लाइटिंग का ध्यान रखा गया था पूरा गेम में, बिल्कुल एक कौनसा लेवल गेम लग रहा था खेलने में और काफ़ी मज़ेदार था। उसमें टच स्क्रीन का यूज़ भी बड़े अलग तरीके से किया गया था, कुछ एनिमेशंस में वो देखने में काफ़ी ज़बरदस्त लगता था। बाकी अगर आप वही फौजी वाला गेम ढूंढ रहे हो जिसमें खूब सारा एक्शन होगा और अलग तरह के मिशंस मिलेंगे आपको, अलग अलग शहर में जाके लोगों को बचाना है, मतलब जितने भी टेररिस्ट आ रहे हैं उनको मारोगे एनिमीज को, तो उस चीज़ में काफ़ी मज़ा आता है भाई। मॉडर्न कॉम्बैट मेरी फेवरेट सीरीज़ है एंड्रॉयड के ऊपर, मतलब ये सीरीज़ ऐसी है जो मतलब जितनी बार भी गेम आ रहा है बेटर आ रहा है। मॉडर्न कॉम्बैट वर्सेस थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया था, पता नहीं इन्होंने क्या बना दिया था, लेकिन कुछ लोगों को वो भी काफ़ी पसंद है। लेकिन मेरे को मॉडर्न कॉम्बैट 5, मॉडर्न कॉम्बैट 4 एंड 3 भाई तीनों ही गेम काफ़ी ऑसम है। जो 2 और 1 थे वो भी अपनी जगह सही थे जिस समय वो लॉन्च हुए थे। बाकी इसमें एक्शन खूब देखने को मिलेगा, तो आप इस गेम को ट्राई कर सकते हो। दोस्तों लिस्ट पे जो हमारा 8th नंबर पर गेम आता है वो है फ्रंटलाइन कमांडो डीडे। ये भी गेम काफ़ी पॉपुलर हुआ था। गेम का साइज है वो 400 MB है। गेम ऑनलाइन है या ऑफलाइन ये तो मेरे को नहीं पता, क्योंकि भाई जब मैंने इस गेम को इंस्टॉल किया वही दिक्कत आ रही थी कि मेरा लेटेस्ट एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्ले स्टोर के ऊपर बिल्कुल फ्री है गेम। लेकिन अगर आपका लेटेस्ट एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है तब इस गेम को बिल्कुल भी डाउनलोड मत करना, आपका साइज मतलब डाटा वेस्ट होगा। लेकिन जब अगर आप पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हो, अच्छा सा गेम ढूंढ रहे हो कम MB में, तो आप इस गेम को जरूर ट्राई करना। यहाँ पे आप इसका ट्रेलर देख सकते हो भाई, काफ़ी शानदार है। अगर आप इसका गेम प्ले चेकआउट करना चाहते हो तो वो भी यूट्यूब पे चेकआउट कर सकते हो, मैंने किया था, मेरे को काफ़ी पसंद आया था, मैं किसी का ले नहीं सकता था। लेकिन गेम नो डाउट काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है, वही फौजियो टाइप मिशन मिलेंगे, तो गेम को जरूर ट्राई करना। दोस्तों लिस्ट पे जो हमारा 9th नंबर पर गेम आता है वो है वर्ल्ड ऑफ टैंक प्लेट्स। मतलब यार बहुत ज़बरदस्त गेम होने वाला है। यहाँ पे गेम का साइज है वो 400 MB है और गेम पूरी तरीके से ऑनलाइन है। ग्राफिक्स क्वालिटी आप देख सकते हो भाई, 3D बिल्कुल देखने को मिलती है और जो कंट्रोल्स है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है। आप टैंक को खुद इधर उधर लेके जा रहे हो, जितने भी रास्ते में एनिमीज टैंक आ रहे हैं, ट्रंक्स बोलने वाला था, जितने भी टैंक्स आ रहे हैं उनको आपको डिस्ट्रॉय करना है, जो कि काफ़ी मज़ेदार है क्योंकि वो भी सारे ऑनलाइन प्लेयर हैं, तो सोचो कितना मज़ा आएगा। बाकी आप अपने टैंक को अपग्रेड भी कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त लगता है यार। यहाँ पे मैंने इसका छोटा सा गेम प्ले करके देखा था कि कैसा है, तो मेरे को तो काफ़ी पसंद आया था। बाकी यार जो ऑनलाइन प्लेयर्स वाले गेम होते हैं ना, उनको खेलने में सच में काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि आपके सामने कोई बोट या कंप्यूटर नहीं है, तो आपके सामने एक रियल प्लेयर है, तो उससे फाइट लेने में काफ़ी मज़ा आता है, तो गेम को जरूर ट्राई करना। दोस्तों लिस्ट पे जो हमारा 10th नंबर पर गेम आता है वो है वर्ल्ड वॉर सर्वाइवल। गेम का साइज़ है वो 150 MB और गेम पूरे तरीके से ऑफलाइन है। और ये मैंने उन लोगों के लिए ऐड किया जिनके पास काफ़ी लो स्पेक्स डिवाइस है, तो यार फिर भी एक मज़ेदार गेम बनाया। मतलब आपको यहाँ पे मिशंस दिए जाते हैं, जैसे पहले आपको एक जगह से निकलना है, फिर सर्वाइवर्स को बचाना है, ऐसे अलग अलग छोटे छोटे से मिशंस हैं वो देखने को मिलते हैं, एनिमीज को मारना है। लेकिन इसके बावजूद गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी देख सकते हो, 3D लुक दी गई है, हालांकि इतनी बेटर नहीं है। अगर साइज़ के हिसाब से देखो तो यार गेम काफ़ी ज़बरदस्त है भाई, इतने कम साइज़ में आपको इतना अच्छा गेम है वो खेलने को मिल रहा है, तो मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई करना जिनके पास लो स्पेक्स डिवाइस है। बाकी जो मैंने 9 गेम्स बताए हैं वो तो काफ़ी ख़तरनाक है, तो उन गेम्स को ज़रूर ट्राई करना, आपको काफ़ी पसंद आएंगे। और दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और माइनक्राफ्ट का एपिसोड अगर आपने देख लिया है तो पहले देख लिया तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर अभी तक नहीं देखा तो यार लिंक डिस्क्रिप्शन में या टॉप पे ऊपर तो वो जाके ज़रूर देखना है, कम्युनिटी टैब में भी लिंक मिल जाएगा। और अगर आप इस चैनल पर भी फर्स्ट टाइम आए हो ना, गलती से ही हमारा वीडियो देख रहे हो, अगर पसंद आ गया हो ना तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और उस नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करना, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।